सुजानपुर टीरा में ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को पुलिस प्रभारी सुभाष शास्त्री द्वारा नशे के खिलाफ यातायात के नियमों के विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी थाना प्रभारी ने सुजानपुर में बच्चों को दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर थाना प्रभारी द्वारा सिखाए गए। उन्होंने बताया कि नशे से पीड़ित व्यक्ति खुद के लिए तो घातक होता है, बल्कि समाज के लिए भी वे घातक साबित होते हैं, क्योंकि नशे से पीड़ित व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने से वे परहेज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आज समाज के लिए नशा सबसे बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे नशे के कारोबार कर रहे लोगों के बारे में पुलिस को सूचना दें और समाज को नशा मुक्त करने में अपना सहयोग दें। वहीं पुलिस द्वारा समय समय पर नशे के जानकारी लोगों तक मुहैया करवाई जाती है और लोग नशे की लत से छुटकारा प्राप्त करें, इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों के विरुद्ध वाहन न चलाएं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं और गाड़ी चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर के तहत काम करने वाले एक बुलेरो टैक्सी के चालक का बुधवार सुबह को प्रचंड हो जाना सबके लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। चालक ने शहर के कॉलेज चौक पर खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है या तो चालक नशे में था या फिर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, जिसके चलते उसने ऐसी हरकत की है। नेशनल हाईवे के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके उसने वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों को भी रोकना शुरू कर दिया। समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वह गाड़ियों की तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गया। इस हंगामे की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम भी हो गया और सड़क के दोनों ओर काफी पीछे तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत से बुलेरो के ड्राइवर पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह आरटीओ ऑफिस की बुलेरो टैक्सी के ड्राइवर ने शहर के कॉलेज चौक में नेशनल हाईवे के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर दी थी। ड्राइवर का नाम पवन बताया जा रहा है। उसने वहां से गुजर रहे वाहन चालकों से भी उलझना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों और ऑटो रिक्शा ऑपरेटर के साथ ही पुलिस कर्मियों ने भी उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वह मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गया। इस पर लोगों ने उसकी जमकर दुनाई भी की, लेकिन बावजूद इसके उसकी हरकतें जारी रहीं। सूचना मिलते ही आरटीओ सिद्धार्थ आचार्य भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी ड्राइवर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कॉलेज चौक पर हुए इस हंगामे की वजह से जहां लोगों का जमघट लग गया, वहीं नेशनल हाईवे पर यातायात भी काफी समय बाधित रहा। मैं तो बहुत मैं सही कर।
रामपुर के पदम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में रामपुर खंड के 14 से कम आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए 32 स्कूलों के लगभग 612 छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं। खेलों का शुभारंभ अवसर पर सुंदर मार्च पास का आयोजन किया गया। मार्च पास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने पर रामपुर खंड के मजोटी स्कूल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि SDM रामपुर नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि शिक्षा के साथ खेलों का भी महत्व है, मानसिक और शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलें ताकि खेलने वाले के साथ खिलाड़ी और रेफरी सभी का मनोरंजन हो।